है लूट हो नहीं सकती। ये अली बाबा चाली चोरों की सरकार है और इस सरकार ने जो है ये रोज ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल का क्या बेचा जा सकता है। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप लगाए। विपक्ष ने हिमाचल ऑन सेल के नारे लगाते हुए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 200 करोड़ रुपए एडीबी से कर्ज लेकर पर्यटन की संपत्तियां सरकार ने बनाई और उसके बाद अब इन संपत्तियों को सरकार कोड़ियों के दाम में निजी हाथों में बेच रही है। मंडी में 41 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर जंजहली में कल्चरल सेंटर बनाया है जिसको अब सरकार बेच रही है। इससे पहले भी सरकार ने पर्यटन निगम के होटल को बेचने का प्रयास किया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया और संपत्तियों को बेचने नहीं दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से सरकार निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए संपत्तियों को बेचने जा रही है जिसे विपक्ष नहीं होने देगा। अगर भाजपा सरकार संपत्तियां बेचती है तो 6 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी संपत्तियों के सौदे को निरस्त किया जाएगा और संपत्तियों को वापस लिया जाएगा। देश को बेचने का प्रकरण है, हिमाचल को बेचा जा रहा है, हिमाचल को लूटा जा रहा है और जयराम सरकार उसमें शामिल है। अभी एडीबी से लोन लेके लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई और ये 4 प्रॉपर्टियां जो है एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और ये जंजाली में टूरिस्ट कल्चरल सेंटर बना 27 करोड़ रुपए का और इसके बाद मंडी में एक सेंटर बना 42 करोड़ रुपए का, एक जो है बड़ा ग्रह मनाली में सेंटर बना 47 करोड़ रुपए का, एक जो है क्यारी घाट आप जगह देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर 37 करोड़ रुपए का। ये 4 प्रॉपर्टियां लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास कर्जे लिए गए, कर्जे लेके प्रॉपर्टियां खड़ी करके इसको प्राइवेट हाथों में लुटा दिया गया। आप देखें कि मंडी की प्रॉपर्टी जो है मंडी में धांधली देखो, मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहाँ 2 प्रॉपर्टियां बनी, जो 45 करोड़ की प्रॉपर्टी है मंडी की उसको इन्होंने सिर्फ 25 लाख रुपए में जो है एनुअल प्राइवेट पार्टी को दे दिया और ये 10 साल के लिए, और उसके बाद जंजाली की प्रॉपर्टी 27 करोड़ रुपए की ये 17 लाख रुपए में जो है 15 साल के लिए दे दिया। तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टियां जो है अरबों की प्रॉपर्टियां अपने चहेतों को औने पौने दाम पे किस ढंग से लुटाई जा रही हैं और ये पहले भी यहाँ पे ये होटल बेच रहे थे, तब भी यहाँ विधानसभा में मसला उठा था जब ये सारे होटल बेच रहे थे और उसके बाद होटलों को बेचने का प्रकरण रुका, इन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की, आज दिन तक उस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद अब अंदर खाते हशश मैनर में प्रॉपर्टियां तैयार की, एडीबी का कर्जा खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश पे और इन्होंने 10 साल के लिए 15 साल के लिए 10-15 साल के बाद तो प्रॉपर्टी ये बिकी गई, 15 साल के लिए बाहर चली गई और उसमें सरकार ने क्या कमाया? 200 करोड़ रुपए लगा के अगर सरकार को 50 लाख रुपए मिल रहा है एनुअली, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चोर बाजारी कितनी लूट है, इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा उससे। और ये जो है कौन लोग हैं जिनको ये प्रॉपर्टियां लुटाई जा रही हैं और सरकार ने फैसला कैसे कर दिया कि 40-40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बना के अभी बन के तैयार हुई हैं, मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिला की तो दोनों दे दी। इस ढंग से ये किया जाता है। टूरिज्म क्या जो है हिमाचल टूरिज्म स्टेट है, पहले आप हिमाचल टूरिज्म के होटल बेच रहे थे, अब आप नई प्रॉपर्टियां है लूट हो नहीं सकती। ये अली बाबा चाली चोरों की सरकार है और इस सरकार ने जो है ये रोज ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल का क्या बेचा जा सकता है, कहीं हिमाचल की जमीनें बेची जाती है। कभी हिमाचल ये पहले जब आए थे तब इन्होंने यूनिवर्सिटियों के बहाने जो है कितनी जमीनें जो है लोगों को गिरवी कर दी थी, वो आज दिन तक जमीनें फंसी हैं, कोई किसी तरीके से दे रहे हैं, कोई किसी तरीके से दे रहे हैं और ये तो बनाई हुई संपत्तियां लुटाई जा रही है। जो बन गई प्रॉपर्टियां 200 करोड़ रुपए की, अभी वो सामने बन के तैयार हुई और स्टार्ट भी नहीं हुई और उन प्रॉपर्टियों में जो है चहेतों को औने पौने दाम पे भेज दिया है। इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती तो क्या नहीं हो सकती। तो कौन सी कंपनीज को मिली है? शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट है। लूट हो नहीं सकती, ये अली बाबा चाली चोरों की सरकार है और इस सरकार ने जो है ये रोज ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल का क्या बेचा जा सकता है।